गाइस, आज हम बनाएंगे मतलब कि कोई चॉकलेट बर्गर बोलो उसको या फिर चॉकलेट बिस्किट बोलो, मतलब बिस्किट से ही बनाएंगे तो बिस्किट तो हम कह नहीं सकते, एक मतलब मेन चीज़ में बिस्किट है तो उसको बिस्किट तो हम कह नहीं सकते हैं, केक कह सकते हैं, कुकीज़ तो बिस्किट ही होता वैसे लाइक मतलब बट है ना हम उसको चॉकलेट बर्गर जरूर बन सकते हैं और चॉकलेट सैंडविच भी बोल सकते हैं, बिस्किट सैंडविच बोल सकते हैं। एंड हमको लेना कोई भी वेपर, मीन्स अगर आपके पास वेपर नहीं है तो आप बिस्किट्स ले सकते हो, बिस्किट नॉर्मल बिस्किट जैसे उसका नाम क्या होता है मुझे नहीं पता, मतलब सिंपल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए बस, और कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए उसमें, क्रीम भी नहीं होनी चाहिए, मैंने क्रीम निकाली नहीं वरना मैं निकालती, मेरे को नहीं पता था क्रीम से क्रीम का टेस्ट मतलब क्रीम का टेस्ट आएगा कि नहीं वरना मैं क्रीम निकाल देती। तो आपको एक लेयर पे लगाने हैं डेरी मिल्क, और ऐसे नहीं लगाना है, मैं ऐसे लगा रही हूँ, मैंने गलती की है और मेरा टूट भी चुका है एक बिस्किट, तो ऐसे हमको लगाने नहीं है, पहले तो हम इसको पैक कर देते टूटे हुए साइड में, टूटे हुए साइड में कैसे डेरी मिल्क लगेगी ये तो सब जानते ही है। तो अभी हमको टुकड़े टुकड़े में डेरी मिल्क को डाल देना है ऐसे, फिर थोड़ी देर मतलब रूम टेम्परेचर पर रहेगी तो मेल्ट हो ही जाएगी ना, पता ही है आपको, तो ये मेल्ट होने पर इसको हम ऐसे फैला लेंगे चारों तरफ, तो ये एक लेयर हो जाएगी हमारी कंप्लीट, फिर उसके हम ऊपर बिस्किट लगा देंगे। अभी वैसे मैंने नहीं फैलाया, थोड़ा इसका मेल्ट होने दो जब तक हम दूसरी तैयार करते हैं इसको, इसको हम ऊपर से ओपन कर लेते हैं। एंड ये डेरी मिल्क मेल्ट हो रही है लगभग, थोड़ा बहुत मेल्टी मेल्टी हो रही है, तो अभी हम ना इसको ऐसे लगाया लेंगे कुछ तरीके से, मीन्स आप है ना कोई दूसरी चॉकलेट भी लगा सकते हो, डेरी मिल्क ज़रूरी नहीं है, आप कोई न्यूटेला हो या फिर कोई हर्सीस या फिर कोई चॉकलेट सिरप, हर्सीस वैसे एक ही होता है वैसे, और भी चॉकलेट सिरप आते हैं बाज़ार में, ऐसा कोई मेल्ट चॉकलेट लगा सकते हो। तो हम ऐसे लगा देंगे डेरी मिल्क को, तो बाकी इसको हम अब पैक कर देते हैं, इसको ज़्यादा ज़ोर से मत करना टूट जाएगा बिस्किट, फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम लेंगे चौकी चौकी, यस गाइस, अब हम लेंगे चौकी चौकी की जगह, अगर आपके पास चौकी चौकी नहीं है तो नीचे वाली लेयर में आपने अगर न्यूटेला डाल दिया तो ऊपर वाले में सिरप डाल दो चॉकलेट सिरप वैसे हमारी सिटी में यहाँ पर नहीं मिलता है न्यूटेला, मैंने कई दुकानों में पूछा बट क्या करूँ मिलता ही नहीं है, और ना ही वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, क्या हाँ वो चॉकलेट तो शायद मिलता है, वो चॉकलेट कंपाउंड तो पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं बट मैं मंगाने वाली हूँ वो चॉकलेट कंपाउंड। एंड अभी ये जो है हमको यहाँ पे ऊपर वाली साइड में चौकी चौकी लगा दें, फिर हमको ऐसे फैला देना है, देखो जैसे मैं स्क्रीन में कैसे फैला रही हूँ मुझे पता है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, फ्रेम के बाहर जा रहा है, मैं कर ये सही थी तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना कि आपको ऐसे दो बिस्किट को जिस साइड में मेल्ट चॉकलेट है उसको आपको ऐसे ऐसे फैलाना है। तो ये हो गया हमारा रेडी, एंड सब में बराबर आनी चाहिए वैसे मैं बोल दूँ आपको, तो ये हम अब इसको पैक कर देते जहाँ से ये टूटा हुआ है। एंड ये चौकी चौकी मैंने लगाई है बिकॉज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एंड अब हमको ये सारी जो है मतलब कंप्लीट हो गई हमारे लगभग सब कुछ। एंड अभी हमने कोई भी चॉकलेट लेनी, जैसे आप डेरी मिल्क भी ले सकते हो बट मैंने ये ली है कि 2 रुपीज़ की आती है चॉकलेट, उसमें दो चॉकलेट के फ्लेवर होते हैं, एक वाइट फ्लेवर और एक ब्लैक फ्लेवर, ये टेस्ट भी बहुत होती है। तो डेरी मिल्क तो मैंने अंदर डाल दी, तो ऊपर कौन सा लगाऊँ इसलिए मैंने चेंज किए, वैसे आप डेरी मिल्क भी डाल सकते हो एंड इसमें वाइट चॉकलेट भी आती है। तो अब हमको इसको टुकड़े टुकड़े में से डालना है, हाँ आपके पास अगर स्प्रिंकल है अलग से कुछ ऊपर डेकोरेट मतलब डेकोरेट करने के लिए तो आप वो भी डाल सकते हो, चोकोस भी डाल सकते हो ऊपर से। एंड जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए ना गाइस, इसकी एक मस्त कैमरे से पिक्चर क्लिक करना, क्या मस्त पिक्चर आई है, देखो कितनी शानदार, मतलब ऐसे लग रहा है ना घर पर बनाया हुआ ही नहीं है।